पुलिस की मुस्तैदी से बैंक में चोरी की बड़ी वारदात टल गई। चोर कटर से एटीएम काट रहे थे, उसी समय पुलिस ने चोरों को धर दबोचा। मामला रामनगर थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक का है, जहां रामनगर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर बैंक चोरी व एटीएम चोरी के असफल प्रयास के आरोपी को रामनगर थाना प्रभारी ने पुलिस बल के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बैंक में कटर के साथ 3 दिन तक रैकी करने वाले बदमाश को एटीएम काटने के दौरान ही पुलिस ने धर दबोचा। बदमाश धीरज पटेल बैंक बंद होते ही खिड़की की ग्रिल काटकर घुस जाता है और पूरे बैंक की रैकी करता है। अगले दिन रात को बैंक में घुसकर बैंक चेस्ट को काटने की कोशिश करता है और अलार्म सिस्टम बंद कर देता है। चूंकि बैंक चेस्ट जिसमें पूरा कैश रखा रहता है उसे वो काट नहीं पाता, तब एटीएम को काटने की प्लानिंग करता है। इसी दौरान मुस्तैद पुलिस उसे एटीएम काटते हुए पकड़ लेती है। ये सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रामनगर थाने से कुछ ही दूरी पर इलाहाबाद बैंक में गश्त के दौरान हमारे आरक्षक संदीप तिवारी और सब इंस्पेक्टर बीएल रावत ने देखा कि एटीएम के ताले जो है वो कटे हुए पड़े हैं, तो उन्होंने गश्त के दौरान इसकी चेकिंग की और तत्काल थाना प्रभारी को सूचित किया। थाना प्रभारी संतोष तिवारी एवं अन्य दलबल के साथ वहां पहुंचे। वहां पे उन्होंने चेक किया तो एटीएम के अंदर एक लड़का घुसा हुआ है जो चोरी के लिए कटर एवं अन्य सामग्री का प्रयोग कर रहा है और लगभग एटीएम को काटने की स्थिति में था, लेकिन कटर वहां पर नहीं चल पाया, जिस कारण से उसने प्लान चेंज किया और एटीएम में घुसकर वारदात करने की कोशिश की। चूंकि पुलिस लगातार गश्त में रही और उसने गश्त के दौरान इस बात को तस्दीक की और तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया है। लगातार रेकी करके 22 तारीख से ही, जब शुक्रवार को बैंक बंद हुए थे, तो 22, 23, 24 को 3 दिन का समय मिला और बड़े आराम से उसने जो है रेकी करके और इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। आरोपी धीरज पटेल ये करनी गाँव का है और इससे जो है जो बैंक से चोरी किए गए कंप्यूटर और वगैरह तो बरामद हुए हैं। ये बैंक के कैश वहाँ से ले जाने की कोशिश में था जो कर नहीं पाया, जो पुलिस की मुस्तैदी के कारण, हमारी गश्त टीम की मुस्तैदी के कारण वो जो है पकड़ में आ गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आगे पूछताछ की जाएगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।